अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा और आज हम बात कर रहे हैं पीडीएम की तहरीक। आज पीडीएम ने तीसरा अपना पावर शो किया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक जारी है। गुजरांवाला और कराची के बाद अब क्वेटा में तीसरी इनिंग्स खेली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्वेटा में सिक्योरिटी खदशात के बावजूद जलसे में शिरकत की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। 11 जमातों के कायदीन ने एक बार फिर एक स्टेज पर खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खात्मे का इंदिया दे दिया, तहरीक की कामयाबी का भी दावा कर दिया। जबकि आज क्वेटा के जलसे में आजाद बलूचिस्तान के नारा भी बुलंद किया गया। अपोजिशन की तहरीक कहां जा रही है, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन का बयानिया। हुकूमत ने जब रद्द अमल इसके बारे में दिया तो हुकूमत ने कहा कि आज जो पीडीएम की स्टेज से आवाज उठाई गई है वो आवाज है जो भारत की आवाज है। यकीनी तौर पर इसी पर आज हम बात करेंगे। ये पीडीएम की तहरीक को गिराने के लिए उठी थी, कहीं हम इसकी तहरीक के साथ साथ कुछ और आवाजों को तो बुलंद नहीं कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, शरीक गुफ्तगु हैं पेशावर से फरजाना अली, ब्यूरो चीफ हैं क्वेटा की, पेशावर की, इसके साथ साथ क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, जिस तरह से बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया जाता है, बलूचिस्तान को सपोर्ट किया जाता है, कहा जाता है कि क्योंकि पसमानदा इलाका है, आबादी कम है, वसाइल बहुत ज्यादा हैं, वसाइल की बात की जाती है, सी पैक और गवादर पोर्ट उसकी जो है वाज़े मिसाल है। बात यह की जाती है कि वहां के अवाम की महरूमियों को दूर किया जाएगा। पीडीएम का भी यही नैरेटिव था कि वो अपना तीसरा पावर शो लेकर क्वेटा पहुंचे, बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया, हुकूमत की जितनी खामियां थी सब गिनवा दी गई और कहा कि अब इसको नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने यहां तक कह दिया कि वो इस हुकूमत को नाजायज समझते हैं। अवामी रद्द अमल क्या है पीडीएम की तहरीक पर? मोनिस, आज का पीडीएम का जलसा एक बहुत बड़ा पावर शो साबित हुआ। इतना बड़ा जलसा क्वेटा की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो यूब स्टेडियम है, इसका फुटबॉल ग्राउंड की कैपेसिटी अगर सीटिंग की देखी जाए सीढ़ियों पे, तो 20 से 25 हजार है, जबकि 25 से 30 हजार के करीब लोग फुटबॉल ग्राउंड जहाँ फुटबॉल खेली जाती है वहां पे बैठ सकते हैं, लेकिन क्राउड इससे ज्यादा ही था। इसलिए अंदाजा यही है कि 50 से 70 हजार के दरमियान क्राउड था, और इतना बड़ा क्राउड इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये क्राउड 11 जमातों के कारकुनों का था, क्योंकि जो आम पब्लिक थी वो देखने में इसलिए भी नजर नहीं आई कि सिक्योरिटी थ्रेट काफी ज्यादा था, चेकिंग बहुत ज्यादा थी, और अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब जलसा आधा ही हुआ था तो ग्राउंड भरने लग गया था और लोग सड़कों पे थे, और जब कायदीन मरकजी कायदीन के खिताब तक पोजीशन ये हो गई थी कि जो करीबी सड़कें हैं वो भी मुकम्मल भर चुकी थी। जहां तक बयानिए की बात है, बलोचिस्तान के हकूक की बात कौम परस्त जमातें करती रही हैं, मुसलसल उनका ये मौके पर आया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मगर ये ज्यादती कर कौन रहा है ये कोई भी नहीं बोला। 3 मरतबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, और इसके अलावा 2 मरतबा पीपल्स पार्टी भी रही। जो महरूमी देने वाले हैं वो यही लोग हैं, इससे ज्यादा महरूमी किसी ने नहीं दी। जो वादे इन लोगों ने किए वो पूरे नहीं किए। मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बने, बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा इस्तेसाल भी उनके दौर में हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में हकूक बलूचिस्तान का एक पैकेज जरूर दिया गया, मगर कहानी को आगे नहीं बढ़ी। जो बलूचिस्तान की बुनियादी मसाइल हैं वो उसी तरह रहे। आज भी बात की जाती है कि बलूचिस्तान आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा, तो ये नारा लगाने वाला कोई बलोच या पश्तून नहीं था जो यहाँ का लोकल लीडरशिप हो। ये एक रहनुमा अवैस नूरानी साहब हैं जो जेयूपी के हैं, और वो कराची से आए थे। जब उनकी तकरीर को लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, कोई क्लैप नहीं हो रही थी, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा था, तो एक स्टंट के तौर पे उन्होंने ये बात कर दी, शायद तवज्जो हासिल करने के लिए, लेकिन वो फिर भी तवज्जो हासिल नहीं कर सके। जलसा के शुरका ने इस चीज को तो बिल्कुल रद्द किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या महमूद खान अचकजई की पश्तूनख्वा मैप हो, JUI हो, इसी तरह BNP मेंगल, जो है बात वो हकूक की है, और वो हकूक ये देने को तैयार नहीं है। ये वादे तो कर लेते हैं बड़ी जमातें, आज भी ये बात सबने की कि आपने वादे जरूर किए, सीपैक की आपने इतनी शुरू की, नवाज शरीफ को क्रेडिट आप देते हैं,
सब कुछ करते हैं। मरियम बीबी को मुखातिब करके कहा था कि सी पैक की आप बात करते हैं, सी पैक का 93% प्रॉफिट चाइना ले जाएगा, जो 7% बाकी बचेगा वो विफाक का हिस्सा होगा। तो बलूचिस्तान इसमें कहाँ है? सबसे ज्यादा ज्यादती तो आपने फिर की ना, वो इसका जवाब नहीं देते और उसको लेके आगे ये वादे वही जरूर करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मिसिंग पर्सन की बात करते हैं तो ये नहीं बताते कि उनके दौर में कितने हुए। नवाज शरीफ के 3 साल दौर इकतदार में भी तो 3,500 लोग लापता हुए, उसका जिक्र नहीं करेंगे। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उनके दौर में कितने ऑपरेशन हुए, वो उसका जिक्र नहीं करेंगे। बलोचिस्तान की अगर महरूमियों की बात करें तो ये दोनों बड़ी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, किसी हद तक 2 साल में पीटीआई भी जिम्मेदार है, उसने भी कुछ नहीं किया यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन मजमूरी अगर जिम्मेदारी डालेंगे तो इन पे डालेंगे। और आज भी पीडीएम की क्यादत जो सरदार अख्तर मेंगल की हो, महमूद खान अचकजई, डॉक्टर मालिक, उनका ये मौकिफ रहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये वादा करना होगा, ये मिसाक देना होगा कि अब छोटे सूबों से ज्यादती नहीं होगी, अब वो रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा। वादे तो ये कर लेते हैं जब इन पे मुश्किल वक्त आता है बड़ी जमातें, लेकिन जब ये इक्तदार में आती हैं तमाम वादे भूल जाती हैं। इवन यहाँ तो होता है कि ये बलूचिस्तान की क्यादत से मिलना भी पसंद नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, जो पॉइंट था वो आपकी जानिब से आ गया। मुजीब आपसे मजीद भी हम इस पर बात करेंगे, तारिक चौधरी साहब की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं फरजाना अली से बात करूंगा। तारिक चौधरी साहब से हम पूछेंगे कि आखिर ये तहरीक तरफ जारी है, हुकूमत मुखालिफ बयानात तो आ रहे थे लेकिन आज हमने देखा कि एंटी स्टेट बात भी की गई है, भारत के मौकिफ को भी यहां पर दोहराया गया। फरजाना अली, अगला पड़ाव पीडीएम का पिशावर बताया जा रहा है, गो कि अभी का खासा टाइम है पिशावर के जलसे में, आप क्या समझती हैं कि जो रिस्पॉन्स कराची में मिला, गुजरावाला में मिला, कोयटा में आज हमने देखा कि खासा रश था, पिशावर में सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि वहां पर पिशावर की सूबाई हुकूमत भी पीटीआई की है और जाहिर है वफाक तो पीटीआई के पास है ही। देखिए, जहाँ पर जहाँ तक बात खैबर पख्तूनख्वा की है और पीडीएम के जलसे की है जो नवंबर में है, तो उसमें मेरा ख्याल में ज़्यादा क्राउड जो है वो डिपेंड किया जा रहा है और नज़र भी आएगा, जो कि दिख भी रहा है वो मौलाना फजल रहमान साहब का कारकुन होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और एएनपी भी अपनी अपनी सतह पर मीटिंग्स कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से मुसलसल उनकी मीटिंग्स हो रही है और अपने जो कारकुन है उनको चार्ज किया जा रहा है, किस तरह से प्लानिंग, किस तरह से लोगों को लाया जाएगा सूबे भर से, सारी प्लानिंग जो है वो उनकी मुकम्मल है। तो पार्टियां तो सारी अपना अपना हिस्सा डालेंगी, लेकिन जाहिर है एक बात बहुत वाजे है, क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान साहब का होम ग्राउंड है तो ज्यादा क्राउड जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का, यानी कि जमीयत का ही होगा। जहां तक बात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है तो वो भी अपनी सतह पर प्लानिंग कर रही है और यह भी कहा जा रहा है, आज शिबली फराज साहब से जब एक सवाल भी किया गया तो उसका जवाब में भी उन्होंने यही कहा कि हम इस वीक को, यानी कि जो कल से शुरू हो रहा है, उसमें इस चीज को भी देखेंगे कि इस जलसे के लिए किस तरह से प्लानिंग जो है वो हुकूमत की सतह पर की जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछली दफा पर भी मौलाना साहब ने यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि पिशावर में जलसे किए, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को निकाला। खुसूसन अगर मैं मिसाल दूं डेरा इस्माइल खान की, खुद पिशावर जहां मैं बैठी हूं वहां पर मालाकंड में बहुत जबरदस्त किस्म के जलसे जो थे वो उन्होंने किए थे और बहुत ज्यादा क्राउड जो था वो उनका आया था। अब आम आदमी कितना आता है ये देखें, ये भी पहले कह दिया गया है कि जैसा कि मुजीब भी कह रहे थे कि पहले से ये बता दिया गया कि जनाब सिक्योरिटी रिस्क है, और दूसरी बात यह है कि आम आदमी अपनी मुश्किल में भी बहुत बुरी तरह मुबतला है, तो उन उससे हट करके आम आदमी अगर आए या ना आए, लेकिन कारकुन बहुत ज्यादा होंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई रुकावट ना डाली, अगरचे उनका मूड कुछ ऐसा लग रहा है कि वो रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे ये अभी आने वाले एक आध हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक थ्रेट लेवल जो है वो दे दिया गया है जिससे मैं समझती हूं कि काफी ज्यादा शकूक व शुबात भी पैदा हुए हैं, लेकिन एक बात वाजे है कि क्राउड होगा और हम समझ रहे हैं कि जितने जलसे गोजरावाला या कराची की आप मिसाल दे रहे हैं या आज क्वेटा की मिसाल दे रहे हैं, इसी तरह का क्राउड जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिशावर में भी होगा।
बिल्कुल, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ सलीम शेख मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज जो बनाई गई हैं, खासतौर पर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं। लेकिन उससे पहले हम वफाकी दारुल हुकूमत का रुख कर लेते हैं। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, हुकूमत का बयानिया हम सब जानते हैं, अव्वल दिन से वो बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि 11 जमातों की एक बड़ी तहरीक बनी और उसने जलसे शुरू कर दिए जिसमें अवाम की नुमाइंदगी हमें नजर आ रही है बड़े पैमाने पर। लेकिन जो नैरेटिव पीडीएम लेकर चली थी वो ट्रैक से हटता जा रहा है, क्या समझते हैं आप इस सिलसिले में? देखिए, जो बात आपने की है कि पीडीएम अपने ट्रैक से हटी है, अगर तो बात पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या जो बड़ी जमातें शामिल हैं उनकी तरफ से दानिश्ता तौर पर ये सामने आती है तो फिर तो ये बात कही जा सकती थी कि पीडीएम जो है वो अपने टैक्स हट रही है या वो कोई ऐसा नैरेटिव लेके चल रही है जो कि मुनासिब नहीं है। आज की जो तकरीर थी अंस नूरानी साहब की, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जब तक अंस नूरानी साहब अपनी इस बात की वजाहत नहीं कर देते ज्यादा वाज अंदाज में कि वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या नहीं कहना चाह रहे थे, और अगर वो वादे तौर पर अपने इस बात पे अड़ गए और कहें कि उनका मतलब वही था तो समझा गया, तो फिर तो एक और बयानिया होगा, फिर तो उस पर और तरह से हम तनकीद भी कर सकते हैं, एतराज भी कर सकते हैं। जब तक वो खुद वजाहत ना करें तो फिलहाल मेरा ख्याल इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे थे, कि क्या उनकी बात का वही मतलब दिया जाए जो आम लोग समझ रहे हैं या हुकूमत भी हल्के कह रहे हैं। जब तक ये वाजे ना आ जाए उस वक्त तक हम इंतजार कर लें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बाकी पीडीएम क्या कह रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज के इजलास में भी और इससे पहले जो दो जलसे हुए हैं गुजरावाला में और कराची में, दोनों में इसमें खुश आइंद और मुस्बत बात मुझे ये लगी है कि पाकिस्तान की वो जमातें जो छोटी जमातें हैं या नेशनल जमातें हैं जिनके बारे में आमतौर पर एतराज किया जाता है कि वो बाज़गात मुख्तलिफ बयानियां लेकर चलती हैं, वो सब जमातें मरकजी जमातों के साथ जिनकी माजी में हुकूमतें रही हैं, आज भी बड़ी जमातें हैं जिनकी सेनेट में नुमाइंदगी है, नुमाइंदगी कौमी असम्बली में है, सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी है, उन सब जमातों के साथ खड़े होकर एक स्टेज पर बार बार ये दोहराती हैं कि वो आईने पाकिस्तान की पैदा में है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलती हैं, चलना चाहती हैं, और मर्द और पाकिस्तान के जो सारे अवाम हैं, सारी कौमियतें हैं और सारे सूबाई ऐसे ग्रुप हैं, उन सबको लेके एक स्टेज पर खड़े हो जाना मेरे ख्याल से खुशाइंद बात है, और इस बात का अदा करना कि वो आईने पाकिस्तान के तहत ही बात करते हैं करना चाहती है और पॉलिटिकल बात करती है बजाय कौमियत के या वसन परस्ती के या नस्ती के, जिस तरह के बलोचिस्तान में आमतौर पर नारे मैं थोड़ी सी बात में और इजाफा करना चाहूंगा। तारिक साहब, आज हमने देखा कि सिलेक्टर्स को हदफ तनकीद बनाया जाता था कि जो है ये सिलेक्टेड हुकूमत है, आज मरियम नवाज ने ये कहा कि सिलेक्टर्स को भी जाना पड़ेगा, क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखिए, ये उन्होंने उनका पाकिस्तान पीपल पार्टी का और मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून का ये इलेक्शन के हवाले से एक मौकफ रहा है कि इलेक्शन में जब वो ये कहते हैं कि दांधली हुई है, वो सारी जमातें जिनकी इलेक्शन के बारे में शिकायत है तो वो खास तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन यहाँ आके उनकी ये बात ऐसी है जिस पर हुकूमत कहती है कि अगर इलेक्शन में कोई दांधली हुई थी, अगर उनके पास कोई सबूत है दांधली का, तो उनको कानून के मुताबिक उनको इलेक्शन पटिशन में जाना चाहिए। तो इसका जवाब कोई वाकई मुस्लिम लीग नून के पास या वो जो जमातें जो दांधली की शिकायत करती हैं उनके पास नहीं होता कि पाकिस्तान के कानून में दांधली की शिकायत का दांधली की अजाले का एक तरीकाकार मौजूद है, तो बजाय इसके कि वो इल्जाम लगाएं वो किसी को सिलेक्टर कहें या किसी को सिलेक्टेड कहें, उसकी बजाय उनको बेहतर ये होता है कि अगर वो पटिशन करते या एक कमेटी का ऐलान किया था हुकूमत की तरफ से कि चले इलेक्शन की तहकीकत के लिए कमेटी बना लेते हैं, अगर वो कमेटी बन जाती है कमेटी में ये साबित हो जाता कि इलेक्शन में जान रही, तो फिर तो ये कहने में हक जानब थे, लेकिन जब इसकी तहकीकत ही नहीं हुई और ये पता ही नहीं चला, कहने को हर कोई कह सकता है, जो भी हारता है वो कहता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो मेरा ख्याल है कि धांधली का जो मामला ऐसा है उससे पहले तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात का तरीका यही है कि कोई पार्लियामेंट कमेटी जो बनाई थी उसमें बैठे, तो टी ओ आर आपको भी याद होगा मुझे भी याद है कि वो कमेटी जब बनी तो उसके टी ओ आर जो थे वो नहीं बन सके थे,
तो धांधली का जो मामला है उसकी तहकीक जो है उस तरह बाजार में और स्टेज पर खड़े होकर धांधली का इल्जाम लगाना बिल्कुल सही। तारिक खोली साहब साथ मौजूद रहिएगा, रुख करेंगे लाहौर का और सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और बड़े सूबे और छोटे सूबे की हम अक्सर बात करते हैं, छोटे सूबों की महरूमियां हैं, बड़े सूबे जो है ज़्यादा हकदार हैं उनकी नज़र में कि उनके ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है, ये मामला अपनी जगह। लेकिन पीडीएम की तहरीक सलीम साहब पंजाब से ही उठी, अगर देखा जाए मरियम नवाज यहां से कारवां लेकर चली हैं, 11 जमातें मुत्तहिद हो गई हैं, क्या समझते हैं आप पंजाब में जब ये घूम कर वापस आएंगे तो तहरीक कहाँ खड़ी होगी? जी मैं ये समझता हूँ अभी आज तीसरा जलसा हुआ है और तीसरा जलसा भी बहुत कामयाब जलसा रहा है और अब जो आइंदा जो जलसे आएंगे और पंजाब में आके ही ये जलसे ख़त्म होंगे तो इसमें मज़ीद तेज़ी आना शुरू हो जाएगी और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसके इसमें सबसे पहले जो रिलीफ है वो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अभी तक इन जलसों में आवाम की उस तरह शमूलियत नहीं है, सिर्फ जो पार्टी के कारकुनान हैं वो इसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और पार्टी के कारकुनान की वजह से जो है वो जलसे इतने बड़े हैं। अगर आवाम ने भी इन जलसों में शिरकत करना शुरू कर दी तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी क्योंकि हुकूमत जो है अभी तक महंगाई को बिल्कुल नहीं रोक पाई है, महंगाई जो है वो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। रोजाना ये कहा जाता है कि महंगाई को हम कम करने के लिए जो है टाइगर फोर्स लेकर आएंगे और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंतजामिया को कहा जा रहा है कि महंगाई को कम किया जाए लेकिन महंगाई जो है वो कम होने की बजाय बढ़ रही है। लेकिन अभी आवाम आम आदमी जो है वो इसमें शिरकत नहीं की है, अगर आम आदमी की शिरकत हो गई तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी टफ टाइम होगा। और जो जिस तरह ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि तमाम जो 11 की 11 जमातें हैं वो एक पेज नहीं बल्कि एक स्टेज पर भी है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो होता यह है कि अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही कोई अपोजिशन तहरीक शुरू करती है हुकूमत के खिलाफ तो कहीं ना कहीं फूट पड़ जाती है और अभी तक ये तीसरा जलसा हो चुका है और तीनों कामयाब तरीन जलसे इनको कहा जा सकता है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि इस जलसे में कहीं भी कोई ऐसी कोताही नाकामी जो है हुकूमत को यानी अपोजिशन को नजर आई, तहम हुकूमत जो है उसको इस पर कोई सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए बिल्कुल के जो इनका बयानिया है इस बयानिए का वो किस तरह जवाब दे सकते हैं और सबसे पहले जो है वो आवाम को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, जिस तरह से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने कहा कि जो अवामी महरूमियां हैं खासतौर पर महंगाई का जिक्र किया गया और जो महरूमियां हैं इसमें सफ़े अव्वल इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई है, अगर हुकूमत महंगाई को किस तरह से कंट्रोल कर लेती है तो पीडीएम की तहरीक पर यकीनी तौर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आम लोग इस तहरीक में शामिल हो गए तो हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मौजू पर बात करेंगे, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम के जलसे की, आज पीडीएम ने ताकत का मुजाहरा किया, सियासी कुव्वत दिखाई, क्वेटा के आज स्टेज पर 11 सियासी जमातों ने अपना नैरेटिव पेश किया, हुकूमत को घर जाना होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वो हुकूमत को नाजायज समझते हैं, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि सिलेक्टेड को घर जाना होगा और जो उनके सिलेक्टर्स हैं उनको भी साथ घर भेजने की बात की गई। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम की बात भी की गई, कहा कि महरूमियों को दूर होना चाहिए, लेकिन किस हद तक ये तमाम सियासी जमातें माजी में जब हुकूमतों में रही हैं तो उस पर अमल कर चुकी हैं और अगर मुस्तकबिल में वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम की महरूमियों को दूर किया जाए तो उनके पास क्या प्लान है, उनके पास अब कौन सा ऐसा गुर है जिसको वो आजमाएंगे और बलूचिस्तान के आवाम की महरूमियां दूर हो। मुजीब हमारे साथ मौजूद हैं, क्वेटा के ब्यूरो चीफ, इसके साथ साथ तमाम ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी साहब इसके साथ साथ फरजाना अली और लाहौर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी मौजूद हैं। मुजीब जिस तरह से बात की जाती है बलूचिस्तान के मसाइल की, वहां के लोगों के महरूमियों की, इसके ऊपर बात ये करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने भी गुफ्तगू बढ़ाई थी आगे कि ये हुकूमतें जो हैं ये सियासी जमातें हुकूमत में रह चुकी हैं, अब इनके पास ऐसा क्या है प्लान कि ये दोबारा अगर आते हैं हुकूमत में ताकत में आते हैं तो वहां के लोगों की महरूमियों को दूर कर पाएंगे? मानिस ऐसा है कि पीडीएम ने एक लायमल पर इत्तेफाक किया है और वो एक मिसाक तैयार करेंगे जिसमें ये यकीनदानी कराई जाएगी छोटे सूबों को, खसूसन सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को,
कि उनके हकूक फामाल नहीं होंगे, उनका इस्तेहसाल नहीं होगा, उनके साथ एनएससी अवार्ड में जाती नहीं होगी, जो उनके वसाइल हैं उस पर उनका हक दिया जाएगा। ये तमाम बातें की गई हैं आज, और इसके लिए बाकायदा कहा गया है कि एक मिसाक बनेगा जिस पे तमाम जमातें दस्तखत करेंगी, और मुस्तकबिल में वो कुछ नहीं दोहराया जाएगा जो माजी में होता रहा है। माजी में ये होता रहा है कि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी हुकूमतों में रहे, उन्होंने वादे किए और फिर वो वादे वफा ना हुए। जब इनकी हुकूमतों में कोई हकूक की बात करता था तो उस पे गद्दारी के लेबल भी लगाए जाते थे। जो आज हो रहा है वो कल भी होता था, माजी में जो कुछ होता रहा वो आज कोई और दोहरा रहा है। आज आप ये कहते हैं कि हमसे माजी में गलतियां हुई, हम उसको ठीक करेंगे। अगर तो ये मिसाक एक बन जाता है और इस मुआहदे पे तमाम जमातें दस्तखत कर देती हैं, इससे उम्मीद हो सकती है कि आइंदा मुस्तकबिल में उस मुआहदे पर अमल दरामद भी होगा। बलूचिस्तान छोटा सूबा है, इसके लोगों को हकूक मिलेंगे, जो इनके वसाइल हैं वो इन तक पहुंच भी सकेंगे, उसके फवायद। सी पैक का असल फायदा बलूचिस्तान के अवाम को पहुंचेगा, रेकोडेक्स सेंधक के फवायद उन लोगों तक पहुंचेंगे, जो मादनियात निकलती हैं उसके फवायद पहुंचेंगे इन तक। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब ये किसी मिसाक पे दस्तखत करेंगे और उस पर अमल दरामद भी करेंगे। हमने देखा है कि पहले मिसाक जमहूरियत पर भी दस्तखत हुए थे, वक्ती तौर पे वो साथ भी चले, दोनों इकट्ठे हुकूमत भी करते रहे, और फिर बाद में जिस तरह अलहदा हुए और बाद में जिस तरह सड़कों पे घसीटने की बातें हुई, ये भी दुनिया ने देखी है। लेकिन मरियम नवाज का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, सियासत इखलाकी कदरों के अंदर रह के की जाएगी, ऐसी बातें नहीं की जाएंगी। इससे उम्मीदें तो अच्छी जागी गई हैं, जागी जरूर हैं, लेकिन अमलन क्या होता है ये देखना होगा। अभी मुझे साथ मौजूद रहेगा तारिक सौदी साहब। अब इत्तलात ही आ रही है कि जिस तरह से कोयटा में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, हमने देखा कि अमन अमान के हवाले से भी फिर दफा 144 वहां पे नाफिस की गई, आज वहां पे ब्लास्ट भी हुआ है। इसी तनाजुर में आज के जलसे को कहा जा रहा था कि जलसा जो है करना खासा खतरनाक होगा। ये भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी शायद इसी वजह से स्टेज पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। अब ये इत्तला आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा को कुछ अननोन नंबर से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई हैं, उनको धमकाया गया है, क्या हकीकत है इन तमाम बातों में? जी तारिक चौधरी साहब आप सुन सकते, गालिबन हमारा रابطہ इस वक्त तारिक चौधरी साहब से बहाल नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे रابطہ बहाल करें और उनसे ये उनके सामने सवाल रख सकें। सलीम जी, जी तारिक साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं। अच्छा सलीम शेख साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अब हमें इत्तला आ रही है कि उनको कुछ टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई हैं और उसमें उनको धमकाया गया है, उनके साथियों को, उनकी जमात के लोगों को, तो क्या समझते हैं आप, इस तरह की कोई खबर आप तक पहुंची है? जी अभी तक इस तरह की कोई तसब्बुर मेरे तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन ये मुमकिन है अगर ये इत्तलात आई हैं और मरियम नवाज की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है किसी ने, जी अगर मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है तो फिर यकीनन उनको कोई किसी किस्म की कोई कॉल जरूर आई होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी खास शख्स ने ये कॉल की हो, या तो फिर मरियम साहिबा को अगर कोई कॉल आई है तो यकीनन उनको इसके हवाले से जो है वो अदारों को आगाह भी करना चाहिए और उस नंबर को भी बताना चाहिए कि इस नंबर से जो है वो मुझे कॉल की गई है और कॉल करके ये कहा गया है मुझे सब कुछ, क्योंकि आजकल तो टेलीफोन जो है उनमें काफी ऐसी डिवाइसेस मौजूद होती हैं कि कॉल करने वाले की जो आवाज है वो टेप हो जाती है, और यकीनन जो है मरियम साहिबा है उनका जो फोन है वो ऐसा नहीं होगा कि उस पर उनका फोन टेप ना हुआ, और वो ये यकीनन वो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है जिसने ये कॉल की हो उसकी टेप भी जो है वो ट्वीट कर दें और ये भी कहें कि ये फला शख्स ने जो है अपना उदा ये नाम लेकर बताया, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ मरियम साहिबा ने सिर्फ ये ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि उन्हें अननोन नंबर से कॉल आ रही है, और बेहतर तो यही होता था कि वो खुद बता देती कि अननोन नंबर से फोन करने वाला कौन था, ताकि जो है वो जो मुबहम है इसमें ये ना रहे कि कॉल करने वाला कौन है, क्योंकि अभी तक जो मरियम साहिबा है या पीपल्स पार्टी है या इसमें पीडीएम में शरीक तमाम जमातें हैं वो अदारों को हदफे तनकीद बना रही है, और अदारों को हदफे तनकीद बनाकर जो है वो साथ साथ हुकूमत को भी हदफे तनकीद बना रही है, और इसमें अभी
कुछ भी कहना जो है वो कबल इस वक्त है, जब तक कि मरियम खुद से नहीं कह सकती किस शख्स ने जो है वो कॉल किया है और कॉल करने के बाद उनके अल्फाज क्या थे, क्योंकि जब तक अल्फाज नहीं होंगे तब तक जो है इस पर कुछ भी कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा। अच्छा फरजान अली, जिस तरह से कह रहे हैं कि ट्वीट करने वाले के हवाले से कुछ तो पता होगा किसकी आवाज़ थी, या उसने कुछ अपना तारुफ करवाया या सिर्फ धमकी दे दी, क्योंकि जो हालात हैं उसमें बैरूनी ताकतें भी इस तरह की शरारत कर सकती हैं कि उसमें ऐसी चीज़ इन बातों में डाली जाए कि थ्रेट्स दी जा रही हैं। लेकिन एक खतरा जो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की सियासी जमातें खासतौर पर नून लीग के लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि उनको ये खतरा लाहक है कि कहीं हुकूमत की जानिब से उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तहरीक चलाने वाले जो नुमाइंदे हैं जो लीडर्स हैं उनके रास्ते में रुकावट ना डाली जाए। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की इत्तलात आप तक पहुंची हैं? देखिए जो आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जिन खतरात का, वो तो खुद वफाकी वजीर साहब जो हैं एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के इस तरह के मतलब पहले जब पहली नवाज शरीफ साहब ने तो जो तकरीर की थी उसके बाद उन्होंने जब एक प्रेस ब्रीफिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने कहा कि इसके बाद नून लीग के जो लोग हैं उनको खतरात हो सकते हैं, तो वो तो वफाकी वजीर ने खुद कह दी। तो ये मामला जो है ना अब मेरे ख्याल में बहुत ही एक अजीब से मोड़ पे आ गया है। मैं इसके जवाब आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं जरा ट्विटर की चूंकि जंग हो रही है और बातें जो हैं वो किसी और तरीके से की जा रही हैं, तो ओवैस नूरानी साहब ने जो है अपनी बात की वजाहत कर दी है। ये मैं अभी पढ़ रही थी कि बलोचिस्तान से मुतलिक तंजिया और सवालिया जुमले को मेरे मुतालबे के तौर पर फैलाया जा रहा है, और आप ये देख भी रहे हैं कि जब से जलसा हुआ था मैं उसकी बिल्कुल सारे का सारा जलसा जो है वो सुन भी रही थी और देख भी रही थी, तो उसके साथ साथ जिस किस्म के सोशल मीडिया एक्टिव हो गया था या कुछ और चैनल्स भी हमें दिख रहे थे कि उसके ऊपर भी कुछ चीजें आ रही हैं, तो एक खास किस्म का बयानिया जो है वो बनाने की भी कोशिश की जा रही है जिसमें थ्रेट भी है जिसमें और भी मुख्तलिफ चीजें हैं, और बहुत ही खतरनाक किस्म का जो इशू है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से शुरू किया गया था गद्दारी का जो एक लेबल लगाना, वो अब ओवरऑल सारे के सारे लोगों पर जैसे लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल में ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन फिर बन जाएगी जिसका जवाब देना खुद लोगों के लिए भी जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है उनके लिए भी फिर मुश्किल हो जाएगा। सबको जो है अब अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो वज़रा आते हैं वो बहुत ही इनसेंसिटिव किस्म की गुफ्तगू करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक वफाकी वजीर का बयान भी बताया कि मैं खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी और उसमें उन्होंने इस तरह से कहा नून लीग के लीडरों के लिए, तो ये चीजें जो है अब मरियम साहबा की ट्वीट आ रही है उसके ऊपर भी काउंटर ट्वीट्स भी आ रही हैं और बहस जो है वो बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है। इसलिए मेरा ख्याल में बजाय इसके कि चीजों को एक तहरीक है अवामी तो अभी बनी नहीं है, कारकुन है पार्टी के 11 पार्टियां हैं इकट्ठी हुई हैं एक तहरीक लेके चली हैं, जमहूरी मुल्कों में ये चीजें होती हैं, खुद अगर जो वो हुकूमत इस वक्त बरसे इक्तदार है अगर वो अपना वक्त याद करे तो उन्होंने भी 126 दिन का बड़ा तवील धरना किया था जो कि तारीख में एक बड़ा जो है धरना समझा जाता है और फिलहाल है भी, तो अगर गैर जमहूरी रवैये होंगे चीजों को जमहूरी अंदाज में नहीं लिया जाएगा कभी दहशतगर्दों का हवाला देकर एक जो है आर्डर निकाल लेना या नोटिफिकेशन निकाल लेना फिर उसकी भी सुबकी हुई कि दहशतगर्दों की तरफ से काउंटर जवाब आ गया कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो ये चीजें जो है मुझे अपने जाती तौर पर लगता है कि बजाय इसके कि आप देख रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अवाम इनके साथ नहीं है इन पार्टियों के साथ तो उनको एक जमहूरी तरीके से चीज को चलाने दे, रिएक्शन ऐसे ना दिया जाए कि आप खौफ महसूस कर रहे हैं या जो है हुकूमत को कोई खतरा लाहक है। बिल्कुल तारिक रबी साहब, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा के रुफका को इस तरह की कॉल्स मौसूल हुई हैं कि उनको धमकियां दी गई हैं गिरफ्तार कर लिया जाएगा या हुकूमत की जानिब से उनको वो बताया जा रहा है कि किसी किस्म की इस तहरीक में रुकावट डाली जाएगी, क्या समझते हैं आप इन चीज़ों में हकीकत है? देखिए हकीकत का तो मरियम नवाज बता सकती हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर पढ़ा उनका कि उन्होंने कहा कि जब से जलसा खत्म हुआ है तो उनको धमकियां मिल रही हैं उनके रुफ्तार को धमकियां मिल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की जो धमकियां बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी देते हैं
जो कि जिसे कहते हैं कि जलती पर तेल डालने का मौका परस्त होता है, से फायदा उठाने वाले मौका परस्त लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो सिचुएशन को मजीद खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिसे कहते हैं समस्या देखने वाले होते हैं, वो भी होते हैं। किसी भी सियासी तहरीक को रोकने का या उसको कर्टेल करने का, कट डाउन करने का ये तरीका नहीं होता। हमने माजी में देखा है, जब से हमने आपने वो संभाली है, जिस भी तहरीकों का हमने मुताला किया है, उन सब में जब भी इस तरह का एलिमेंट शामिल हुआ है, उस तहरीक को फायदा हुआ है, तहरीक को खत्म नहीं हुई। तहरीक को खत्म करने के, तहरीक को काउंटर करने के सियासी तरीके होते हैं। अगर आज की अपोजिशन जो है वो महंगाई का बयानियां लेके चल रही है, या वोट को जिद का बयानियां लेके चल रही है, या किसी हकूक का बयानियां लेके चल रही है, या किसी नाइंसाफी का बयानियां लेके चल रही है, या वो जो समझती है कि उसके खिलाफ जो इसाद है वो इंतकाम नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काउंटर करने के लिए हमेशा एक बयानिया चाहिए होता है। बस अगर आपकी अपोजिशन जो है इस बात पर इतराज करती है कि उसके खिलाफ जो इसाब हो रहा है वो मशकूक है, तो आपको इसाब का निजाम बेहतर बनाने चाहिए। अगर जो है अपोजिशन महंगाई का बयानिया लेके चलती है, तो हुकूमत जो है महंगाई खत्म करे, तहरीक खुद मर जाएगी। अगर हुकूमत, अगर अपोजिशन जो है वो कहती है कि पार्लियामेंट को जो है वो हुकूमत मिलने चाहिए, पार्लियामेंट को ताकतवर होना चाहिए, तो आप पार्लियामेंट को ताकतवर करें ताकि अपोजिशन का मुतालबा खत्म हो, अपोजिशन का ये मुद्दा खत्म हो। धमकी अमेज लहजे की मेज बातें जो लोग देते हैं, तो यकीनी तौर पर जमहूरियत के उस मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह के बयानिए जो है उनसे अपोजिशन मजबूत होती है, ऐसे तरीके मजबूत होती हैं। देखिए तीन जलसे हुए हैं एक एक हफ्ते के वक्त से, गुजरावाला में, कराची में, और अब आज कोटा में। तीनों जलसे जो मर्जी कहे हुकूमत, जो मर्जी बयान दे, किसी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक आम गैर जानदार आदमी ये कह सकता है कि तीनों जलसे कामयाब हुए हैं। अब कुछ हफ्ते के लिए इन जलसों में तातल आएगा, इसलिए आएगा, एक तो गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन है, कायदीन जो है वो अपने अपने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए चले जाएंगे, फिर कुछ बीच में अवेलेबल के बंद भी हैं। जब ये दोबारा जलसों का मौसम आएगा, उससे पहले अगर हुकूमत जो है अच्छे सियासी इकदाम करे, अपोजिशन को एंगेज करे, अपोजिशन से बात करे, और अगर वाकई उनकी कोई जायज बात है तो वो हुकूमत सुननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद, तारिक चौधरी हमसे बात कर रहे थे, फरजान अली पिशावर से मौजूद थी, सलीम शेख लाहौर से शरीक गुफ्तगु थे, इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद तफसीलात हमें बता रहे थे क्वेटा से आज के जलसे के बारे में। पीडीएम का जो भी नैरेटिव है, यकीनी तौर पर हुकूमत को जब हदफ तनकीद बनाया जाता है, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा कि उसमें कुछ हुकूमत की कमजोरियां जरूर होती हैं, अगर महंगाई का कहा जा रहा है तो यकीनी तौर पर महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि इन तहरीकों के खिलाफ कार्रवाई, जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो ना की जाए, बल्कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, यह तहरीक खुद ही बैठ जाएगी। इसी मौजू पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।